मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर एनसीपी पार्टी ने आज मुंब्रा बाईपास पर हल्ला बोल मोर्चा निकाला। मुंब्रा बाईपास पर बाइक सवार अक्सर हादसों का शिकार हो रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले ही आशिफ आफ्ताब नाम के एक लड़के की ट्रक की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी। अब तक मुंब्रा बाईपास पर 117 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे खूनी बाईपास भी कहा जाता है। इस बाईपास पर आधे अधूरे काम और ट्रैफिक विभाग की लापरवाही भी बताई जा रही है। ट्रैफिक विभाग पर बड़ी गाड़ियों के समय सीमा को लेकर भी आरोप उठ रहे हैं। पूरी तरह से बदहाल मुंब्रा बाईपास को एनसीपी पार्टी आज बंद करने की हल्ला बोल मोर्चा में मांग कर रही थी। एनसीपी के आमदार जितेंद्र आवाड और शमीम खान, शानू पठान, असीन राउत, मुफ्ती अशरफ, ऐसे तमाम एनसीपी के लोगों ने आज मुंब्रा बाईपास वाई जंक्शन पर आंदोलन कर जमीन पर बैठ गए। शमीम खान का आरोप है कि ट्रैफिक विभाग की लापरवाही से मुंब्रा बाईपास पर ट्रैफिक जाम होता है और इस वजह से हादसे भी होते हैं। मुंब्रा बाईपास पर हल्ला बोल मोर्चा के दौरान रास्ता रोकने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने शमीम खान को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शमीम खान जो मुंब्रा बाईपास बंद करने की मांग को लेकर हल्ला बोल कर रहे थे, उन्हें तस्वीरों में देखें किस तरह से पुलिस उठाकर ले जा रही है। खूनी बाईपास को लेकर आमदार जितेंद्र आवाड ने भी जमकर हल्ला बोल किया और जमीन पर बैठ गए और ट्रैफिक विभाग की नाकामी भी बताई। रात के समय मुंब्रा बाईपास पर बड़ी गाड़ियों को काफी ट्रैफिक जाम रहती है। आरोप लग रहा है कि सुबह होते समय मुंब्रा बाईपास से बड़ी गाड़ियों को छोड़ने पर सील फाटा से कल्याण फाटा तक सुबह के समय ट्रैफिक जाम हो जाती है। खूनी बाईपास को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी पार्टी मुंब्रा बाईपास को लेकर हल्ला बोल मोर्चा जरूर कर रही है, मगर महाराष्ट्र में एनसीपी गठबंधन की ही कांग्रेस शिवसेना की सरकार है और ऐसे में एनसीपी आज हल्ला बोल मोर्चा निकाल रही है। कैसा हल्ला बोल मोर्चा रहा ये और कैसा आंदोलन रहा, क्या हुआ इस आंदोलन में, क्या कहा आमदार जितेंद्र आवाड ने और तेज तर्रार मुंब्रा शहर के आंदोलनकारी शमीम खान, शानू पठान और असीन राउत ने। व्यवस्था एसएमसी और पुलिस की वजह से नहीं है, पिछले 1 साल 2 साल में 100 के ऊपर जाने गए हैं। अगर लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है फिर तो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन जब ट्रैफिक का हुआ ठहराया गया है तो 9:30 बजे बड़ी गाड़ियाँ कैसे चुकी है। कल जो लोग कुचल के मर गए इसके जिम्मेदार कौन है? अगर 9:30 बजे हादसा हुआ है उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार है जिस जो उस वक्त ड्यूटी कर रहा था। उसका तबादला नहीं पर उसको निष्कासित कर देना चाहिए, उसको उसके अधिकार उससे छीन लेने चाहिए। देखो ऐसा है कि मुंब्रा कौसा का जो ट्रैफिक है उसकी कई वजह है। उसकी एक प्रमुख वजह यह है कि लोग जो गाड़ियाँ लगाते हैं, गाड़ियाँ लगाना जब तक बंद नहीं होगा तब तक ट्रैफिक का हल नहीं निकलेगा। आने वाले दिनों में जैसे अभी आप पुलिस स्टेशन के यहाँ देखो तो रास्ता बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, ऐसा ही यहाँ तक आएगा और पूरा कंक्रीट करके उनको आपको लाइट के पोल भी दिखते हैं, वो लाइट के पोल भी अंदर डाले जाएंगे। आने वाले साल भर में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे लगता है उसके बाद पर खड्डे नहीं है रास्ते पे इतना मुझे मालूम। अरे ट्रैफिक से चाहिए आजादी, अरे ट्रैफिक से चाहिए आजादी। Yeah.
अब तक 117 लोगों की जाने जा चुकी है। शेम, शेम। अगर आप कहते हो कि ट्रैफिक का टाइमिंग सुबह दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है, तो फिर वो बच्चा जो आशिफ आफताब का परसों एक्सीडेंट हुआ, तो बच्चे का एक्सीडेंट होता है 10:45 बजे। तो मेरा सवाल है ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से कि क्या आप सो रहे थे या फेलियर समझते अपने आप को या फेलियर हैं? वो कंटेनर कैसे आया वहां पे और बच्चे के जो हादसा हुआ, मैं ये मांग करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से कि ट्रैफिक विभाग के खिलाफ दर्ज हो FIR। देखिए, PWD के जो अधिकारी है वो हमेशा लापरवाही करते रहते हैं, और इसके लिए ये नई बात नहीं है कि हम लोग ने आंदोलन किया है। हमेशा हम लोग आंदोलन करते हैं, लोग हमारे पर तंज करते हैं, लेकिन हम हमारा गुस्सा किस तरीके से दिखाए। अभी पब्लिक जो है अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, पब्लिक समझ, हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पब्लिक समझना भी नहीं चाह रही है। उनको इस तरीके से लग रहा है कि हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए ये आंदोलन हमको आज दोबारा से करना पड़ा है, यहाँ पे आना पड़ा है, रास्ते पे उतरना पड़ा है, रोड रोकना पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि रास्ता बंद कर दो, हमको अभी बाईपास चाहिए ही नहीं, क्योंकि PWD वाले जो है पहले तो बाईपास का काम भी इतना खस्ता दर्जे का किए थे कि कभी भी गाड़ी का बड़ा हादसा भी हो सकता था, गाड़ियां नीचे गिर सकती थी, आप लोगों ने देख चुके होंगे। उसके बाद में आए दिन उनको बोले हमने सिग्नल लगाओ, ये करो, जो रास्ते पे होना चाहिए जैसे दूसरे तरफ होता है सिटियों में, हमारे यहाँ पे ये सब चीजें नहीं देते। उनको इस तरीके से लगता है कि मुमरा में जो है इंसान ही नहीं रह रहे। स्ट्रीट लाइट देखिए बंद नहीं रहती है, कुछ लोग उसमें छेड़छाड़ देखिए लगी है, उसमें लोग छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ पे कुछ चर्ची लोग, कुछ चोर लोग रहते हैं जो हमेशा ये छेड़छाड़ करते रहते हैं, फिर भी हम लोग ध्यान देते रहते हैं उस पर। ट्रैफिक विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ट्रैफिक विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जवानों की जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रैफिक विभाग होश में आओ, होश में आओ, ट्रैफिक विभाग होश में आओ, होश में आओ। देखिए रोड का काम चालू है, सबसे मुख्य कारण रोड का है वो जो सीवरेज है, सीवरेज की वजह से पूरा रोड कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है। इसीलिए हम लोगों ने कॉरपोरेशन में भी कई बार आवाज़ उठाए, उसके सीवरेज के काम होने के बाद उन्होंने ये कहा है कि जून तक मुमरा कौसा का मुख्य रोड पूरा तमाम कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में कई परिवारों की जान जा रही है, बड़े स्कूल है, कॉलेज है इधर, और ट्रैफिक विभाग के जो आला अधिकारी है इसमें आँख मूँछ करके अंधेरे में आँख बंद करके बैठे, इसमें नौजवानों परिवारों की जान जा रही है, और बेधड़क कोई भी टाइम पे हैवी ट्रैफिक यहाँ आ रहा है। अगर ये समस्या को जल्द से जल्द सुधारा नहीं गया और ट्रैफिक विभाग ने इस पर मामले को नहीं किया गया, तो हम इसके ऊपर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं उनके ऊपर FIR दाखिल करने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।